मेर चढ़े सो अधर डूबे निराधार भय भव पार, औघट चले सो नगरी पहुँचे बाट चले सो लूटा, एके जेबरी सब लिपटाने के बंधे के छूटा। बिन नैनन के सब जग देखे लोचन रहते अंधा, कहें कबीर कुछ समझ पड़ी है यह जग देखा धंधा। अबधु अ नहीं, वधु वधु स्त्री, स्त्री से तात्पर्य है माया। वैसे अबधु का एक अर्थ दार्शनिक शब्द में आता है त्यागी। यहां साहब कहते हैं अबधु ऐसो ज्ञान विचार, ए त्यागियों इस ज्ञान की बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर विचार करो। आप कह सकते हैं कि तो फिर हम गृहस्थों के लिए ये तो उपदेश नहीं हो रहा है, साहेब तो त्यागी के लिए कह रहे हैं, यानी जो संत महात्मा हो गए हैं उनके लिए ये बात है। उनके लिए बात नहीं है। क्या अभी जो महात्मा लोग बैठे हैं उसमें कुछ छत्तीसगढ़ कबीर आश्रम से आए हैं, कुछ गुजरात के हैं, हमारा भागलपुर पड़ता है, तो क्या हमारा आश्रम और भागलपुर छूटेगा, इनका गुजरात और छत्तीसगढ़ छूटेगा और आपका लालगंज रह जाएगा? सबको छोड़ना है। जब शरीर ही सबको एक दिन छूट जाना पक्का है तो रहेगा क्या? इसीलिए यहां त्यागी मानव मात्र के लिए ये उपदेश है। त्यागी, सतगुरु कबीर ने कहा है त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। ये पानी पिलाने का जो शुरू किए हैं ये सत्संग सुनने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जिनको प्यास लगेगी वो खुद जाकर पानी पी लेंगे। यहां कोई बाराती नहीं आए हैं, इसीलिए इस टिटिम्मा में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिनको प्यास लगेगी वो जाके पानी पी लेंगे। त्याग करण है सबन को, बचत न कोई देखाए। कोई इसे बचा नहीं, सबको छोड़ छोड़ के जाना है। चाहे तजे दुख भोगी के चाहे प्रथम हटाए, चाहे वह लास्ट में मजबूरी से छोड़े या पहले छोड़ दे। जो नेता कहीं घोटाला में पकड़ाता है अगर वो समझदार है तो पहले इस्तीफा दे देता है। मुकदमा तो चलेगा, जेल भी हो सकता है, लेकिन जो पहले इस्तीफा देता है उसकी कुछ इज्जत बच जाती है, और जो नहीं छोड़ता है उसको कान पकड़ करके गद्दी पर से उठा दिया जाता है। समझदारी किसमें है? जो पहले छोड़ दे। इस पर एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक सेठ था, वो ब्याज पर पैसा लगाता था, ब्याज पर पैसा लगाता
और इसी से उसकी आमदनी होती थी। अभी बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी और बैंक वाले ऐसे करते हैं, कितने गांव में महाजन लोग हैं जो ब्याज पर पैसा लगाते हैं। तो वो सेठ ब्याज पर पैसा लगाने का काम करता था, उसी गांव के दो व्यक्ति 420 था, 420 बहुत चालाक, वो दोनों दोस्ती के रिश्ता में रहता था। कहा कि मित्र इस सेठ से चलो हम लोग 100 रुपया उधार लेंगे। पैसा ब्याज पर ले लिया, लेकिन उसको देने की नियत नहीं थी। वो सोचा कि अब मान लिया कि सेठ अगर लालगंज का हो तो वो सोचा कि वैशाली जिला ही छोड़ देंगे, मुजफ्फरपुर भी छोड़ देंगे, उधर समस्तीपुर छोड़ देंगे, छपरा भी छोड़ देंगे, पटना भी छोड़ देंगे, और लालगंज के सेठ होगा, कहाँ पाएगा हमको। पैसा देना नहीं था, वो इस इलाका के आसपास के इलाका भी छोड़ दिया, पैसा लेके दोनों फरार हो गया। 2-3 साल हो गया, अब रहे तो मिले, उधर था नहीं, इलाका छोड़ दिया। सेठ परेशान कि पैसा लिया और ब्याज के चक्कर में मूल भी हमारा जा रहा है, चला गया। एक दिन किसी कारण से सेठ मधेपुरा तरफ, सहरसा तरफ, किशनगंज के तरफ जा रहा था। अपनी गाड़ी थी प्राइवेट, उस गाड़ी से जा रहा था। तो मान लिया कि मधेपुरा या सहरसा जा रहा है तो बीच में दरभंगा या मधुबनी पड़ेगा, तो रास्ते में समस्तीपुर पार करने के बाद जैसे ही मधुबनी घुसा हाईवे से, तो वहां वो दोनों को देखा कि दोनों गर्दन में गमछा अपने रखे हुए और हाथ में हाथ मिलाए बहुत खुशी से, मगन से दोनों जा रहा है। सेठ पहचान गया कि तो यहां दोनों है। सेठ गाड़ी रुकवाया और अपने मुनीम को भेजा, कहा कि दोनों के पकड़ के ले आओ, कुछ बात नहीं करना, दोनों को पकड़ के ले आओ। 2-3 बॉडीगार्ड भी रखे हुए था, निजी कमांडो, गया और दोनों को पखमोर चढ़ा करके और दोनों को पकड़ के गाड़ी में बिठाया और लेके घर पर आ गया। सेठ ने मुनीम से कहा, मुनीम जी इसका हिसाब देखिए कितना बनता है। करीब 3 साल के ऊपर हो गया था। कहा कि हुजूर इसका पैसा डबल से ज्यादा हो गया, करीब करीब 300 रुपया हो गया है। मुनीम सेठ ने कहा कि देखो भाई, हमको आज अभी 300 रुपया होता है, पूरा का पूरा पैसा हमको अभी भुगतान करो तो हम बख्शेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमको पैसा आज चाहिए। पहला कहा कि हुजूर अभी पैसा हमारे पास नहीं है, हम व्यवस्था करके दे देंगे, अब दे देंगे पैसा आपको। सेठ कहा कि हम नहीं मानेंगे, हमको आज और अभी पैसा चाहिए। सेठ का मूड खराब देखा, तो पहले वाले ने क्या किया, देखा कि अभी सेठ मानने वाला नहीं है और हमको तो पकड़ लिया है, तो अब उपाय नहीं है। तो पहला वाला जो व्यक्ति था वो 300 रुपया जेब से निकाल के सेठ को दे दिया। दूसरा ज्यादा 420 था, फ्रॉड में भी कम बेस होता है। तो जो दूसरा था कहा कि मूर्ख दे दिया पैसा, कहे दे दिया, नहीं देता तो क्या होता, सेठ क्या कर लेगा, कह दिया था कि बाद में दे देंगे। दूसरा कहा कि हुजूर अभी पैसा नहीं, हम व्यवस्था करके पैसा हम दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। सेठ ने कहा कि हम कुछ नहीं मानते हैं और कुछ नहीं सुनेंगे, हमको अभी पैसा इसी वक्त चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि पैसा भी नहीं है तो हमारा चाम छीन लीजिएगा, चमड़ी छीन लीजिएगा पैसा के बदले, पैसा का व्यवस्था करके दे देंगे आपको, अभी पैसा हमारे पास नहीं है। सेठ ने कहा कि हम कुछ नहीं मानेंगे, अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो
तो हम तीन ऑप्शन देते हैं तुमको, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी हम लोगों पर घटती है। सेठ ने दूसरे वाले से कहा कि हम तीन विकल्प दे रहे हैं तुमको। पहला विकल्प है, अगर तुम तीनों में से कोई विकल्प हमारा तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन पूरा कर दिया तो तुम्हारा ब्याज के साथ सारा पैसा माफ कर देंगे। दूसरा मनीमन खुश हुआ कि वाह, ये पहला बुरबक पैसा दे दिया, ये तीन ऑप्शन दे रहा है तो कोई ऑप्शन में तो हम निकलिए ना जाएंगे। कहा कि कहिए सेठ जी क्या है पहला विकल्प क्या है। कहा कि तुम 100 रुपया उधार लिए हो, ब्याज के साथ 300 रुपया होता है, 100 प्याज खा लो, हम तुमको सब पैसा माफ कर देंगे। कहा वाह, ये कौन सी बड़ी बात है, आप लाइए प्याज, हम प्याज खा लेंगे। 100 प्याज गिनवा करके नौकर से टोकरी में धरवा दिया सेठ और कहा कि अब खाओ। जब 8 से 10 प्याज खाया तो प्याज के झांस से नाक से और आंख से पानी गिरने लगा। कहा कि सेठ जी बड़ा मुश्किल है, हिम्मत तो किए थे या कह दिए जोश में कि 100 प्याज खा लेंगे, लेकिन 10 खाते खाते हमारा तो होश खराब हो रहा है, दूसरा ऑप्शन बताइए। कहा ठीक है, अगर ये तुमसे नहीं होगा 100 मिर्ची खा लो तो तुम्हारा पैसा माफ कर देंगे। ये सोचा कि चलो उसमें तो झांस नहीं है, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विवेक की लाइट गुम हो जाता है। रावण के बारे में कहा जाता है कि विधि वैवाम घूमे सुभावा, जरे लंका तो कूप खानावा। रावण इतना बेकूप नहीं रहा होगा कि आग लगे हो और उसमें कहे कि कुआं खोदो, ये व्यंगात्मक कहा गया है, कथन मोटी बुद्धि वाले को समझने के लिए। तो वो भी जो दूसरा व्यक्ति था बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, कहा कि चलिए हम खा लेंगे। 100 मिर्ची गिनवा करके रखा गया, वो लौंगिया मिर्चाई जब एक खाया और दूसरा जबान पर रखा तो ऊपर से नीचे तक लहरने लगा, वो तो और खाना मुश्किल पड़ गया। कहा कि सेठ जी इसमें तो और मुश्किल हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। कहा कि देखो बेटा अब लास्ट है, दो में फेल हो गया, अब ये लास्ट है, खूब सोचो। कहा कि सुनाइए। कहा कि 100 जूता खा लो, हम तुमको छोड़ देंगे। ये हिम्मत क्या कि वाह, इसमें तो ना झांस है और ना उसमें करवापन है, पेट के बल लेट जाएंगे और जूता खाना थोड़े है, जूता का मार पड़ेगा, 100 जूता सह लेंगे। मंगाया गया जूता, जब जूता का मार पड़ने लगा तो 20 से 25 जूता पड़ा तो उसको दिमाग गर्म कहिए चाहे ठंडा कहिए, कहा कि सेठ जी अब बर्दाश्त नहीं होता है, झट से पैसा निकाल के 300 दे दिया। सज्जनों समझदार कौन हुआ, पहले वाला हुआ कि दूसरा हुआ? पहले वाला दे दिया तो उसकी इज्जत बहुत कुछ बच गई, और दूसरा क्या किया, प्याज भी खाया, मिर्चा भी खाया, जूते भी खाए और अंत में पैसा पटाए। किसको नहीं छोड़ना है? क्या महात्मा कहते हैं कि तुम घर छोड़ दो, भोजन छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, बाल बच्चे है तो उसको छोड़ दो? वो तो घर छोड़ना, और जब होता है तो किसी के कहने की चीज नहीं है। बुद्ध और महावीर को किसने कहा था कि घर छोड़ दो? इनको तो पूरा राजघराने के थे, इनको तो पूरा ठाठ बाट और लग्जरी लाइफ की सारी सामग्रियां इनके पिताजी व्यवस्थित कर दिए थे, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा समय से उद्घाटित हुआ कि रोगी को देखे, बूढ़ा को देखे और मृत्यु मुर्दा को देखे तो ये बुद्ध बन गए। हम लोग बुद्धू के बुद्धू बने हैं क्या, हम लोग नहीं देखते हैं? तो यहां त्यागने की बात है,
उस पर फिर आगे खुलासा होगा। मनोविकार का त्याग करना है, जहां है वहां काम करना है, कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म। गीता में बात आई है, शत्रु कबीर ने कहा कर्म करी और रहे अकर्मी। कर्म करना है, उसके परिणाम के लिए लालच करने की जरूरत नहीं है। तो अबदु ऐसो ज्ञान विचार, यानी मनुष्य मात्र को शरीर ही एक दिन त्यागना है तो रह किया जाएगा, बाल बच्चा साथ जाएगा, सबको बिना कपड़ा का ये सब आया है, चाहे मुकेश अंबानी के घर का हो, नरेंद्र मोदी हो, या झोपड़ी वाला हो, रोडपति हो, सब बिना कपड़े के ही माँ के गर्भ से आता है, और जाना होता है तो सबको विदाई में 2 मीटर से ज्यादा नहीं मिलता है, वो भी शरीर के साथ मिट्टी में या आग में जल जाता है। बीच में उतार चढ़ाव है। तो यहां ज्ञान पर विचार करने के लिए साहब कहते हैं। अब उलटवासी आता है, मेर चढ़े सो अधर डूबे निराधार भय भव पार। मेर यहां बेरा का अपभ्रंश शब्द है। मेर बेरा से तात्पर्य है नाव, जल जहाज, या केला के थम का, टीना का, घरा का, जोड़ के कोई भी एक जो नदी नाला पार करने का साधन बनाते हैं। साहब कहते हैं जो बेरा पर चढ़ करके पार होना चाहेगा वो डूब जाएगा मझधार में, और निराधार भय भव पार। आ जो ये सब किसी का आधार नहीं लेगा वो भव सागर पार कर जाएगा, यानी सागर को कौन कहे, भव सागर पार कर जाएगा। उलटवास उल्टा है कि नहीं, बिना नाव के गंगा कैसे पार करेंगे? नाला हो तो तैरने वाला पार कर जाएगा, जो तैरना नहीं जानता है तो वो तो 2 हाथ के नाला में डूब के मर जाएगा। यहां साहब कहते हैं कि कुछ आधार न लो तो तुम पार कर जाओगे, आधार लिया तो मझधारे में डूब जाओगे। वो क्या है? दुनिया की जो जागीर है, जीवन गुजर के लिए जरूरी है, मकान बनाना पड़ेगा, चाहे झोपड़ी का हो या खपरेल हो या बिल्डिंग हो, कोई घर घोंसला चाहिए। जानवर की तरह मनुष्य नंगा नहीं रह सकता, इसको कपड़ा भी चाहिए, भोजन तो चाहिए ही, तो इसके लिए काम करना है। ये लोभी मन विश्वास नहीं करता है कि ईमानदारी से करेंगे तो हमको जीवन निर्वाह नहीं होगा। सज्जनों, जो गलत काम करने वाला है, लंद फंद का काम करता है, उसका जब जीवन निर्वाह हो जाता है तो ईमानदारी से करेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर प्रारब्ध के वेग से चल रहा है, सबके साथ भाग्य जुड़ा है, प्रारब्ध जुड़ा है, तो अबधु मेर चढ़े सो अधर डूबे, जो दुनिया के चीज को बटोर करके उस पर अपना अधिकार किए मेरा है, उसमें लोभ और मोह का बेरा बना करके जो पार होना चाहेगा वो डूब जाएगा, डूब रहा है। यानी प्राणी पदार्थ, अपना घर मानना पड़ेगा, अपना परिवार मानना पड़ेगा, लेकिन कैसे? जैसे आप लोग बिल्ली को देखे होंगे, ये पानी पिलाने वाले क्या चक्कर लगा रखे हैं। आप लोग गिलास और जग लेकर के कृपया खाली कर दीजिए इस जगह को। जब तक खाली नहीं कीजिएगा हम नहीं बोलेंगे। निराधार भय भव पार,
मैं कह रहा था कि मकान भी बनाना पड़ेगा, परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ेगा, रुपया को अपना मानना पड़ेगा, और सब लोग मानते ही हैं, लेकिन फर्क कैसे है। जैसे बिल्ली जब बच्चा जन्म देती है तो बच्चा पैदा करती है तो छोटा बच्चा होता है उसका, तो उसको क्या करते, उसको तो हाथ है नहीं कि गोद में लेके इधर से उधर जाए, मुख में बच्चे को दबा लेती है और उसको कितना घर घुमा देती है। बच्चे को थोड़ा भी घाव लगता है क्या कहीं? वही दांत है बिल्ली का, वही मुंह इस हिसाब से पकड़ती है कि थोड़ा भी अपने बच्चे को उसको घाव नहीं लगता है। और वही मुंह है, वही दांत, वही बिल्ली। और चूहा को जब पकड़ती है तो एक बार में काम तमाम कर देती है। पकड़ने पकड़ने में फर्क हुआ ना। संत भी आश्रम बनाते हैं, समझदार जो गृहस्थ वर्ग में हैं, गृहस्थ श्रेणी में मकान अपना मानते हैं, परिवार अपना मानते हैं, धन भी मानते हैं, जमीन जायदाद उसको मानते हैं, लेकिन किस ढंग से मानेंगे? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, हल्का अनाशक्ति पूर्वक, उसमें लोभ और मोह का पट्टी बांध करके नहीं, कर्तव्य करेंगे और अंदर से वो उसको छोड़े रखेंगे, सब छूट जाने वाला है तो व्यवहार भी बढ़िया होगा। लोभ में और मोह में पड़ करके हम दुष्कर्म करते हैं और वही हमारे लिए संस्कार बोझिल बनता है। निराधार भय भवपार, जो अनासक्त हो गया यानी संसार के बीच में रह करके ही संसारिकता को छोड़ दिया, रहना सबको संसार में है, सांसारिकता को छोड़ दिया, सारी आसक्ति को छोड़ दिया, सारे लोभ और मोह को त्याग दिया या त्याग करने का प्रयास कर रहा है, उसको भवसागर पार करने के लिए अलग से कुछ साधन चाहिए? कोई साधन नहीं, वो तो अभी पार है। जैसे बिहार में शराब बंद हो गया कानूनन, अवैध चलता है उसकी बात मैं नहीं कहता हूं, कानूनन शराब बंद हो गया। मैं समझता हूं कि अभी जिस इस महफिल में जो बैठे हैं बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते होंगे, कुछ पीते रहे होंगे तो छोड़ भी दिए होंगे। अभी शराब बंदी हो गई कई साल से, शराब महंगा मिलता है, आप लोग को उसे कोई परेशानी है? शराब पहले मिलता था सस्ती, अभी महंगा हो गया, उसे आप लोग को कोई फर्क पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा फर्क? क्योंकि आप शराब से मुक्त हैं, आपको शराब न पहले पीते थे, अगर पहले पीते भी रहे तो शराब पीना आपने छोड़ दिया, अब शराब की आसक्ति समाप्त हो गई, शराब से आप मुक्त हो गए, तो अब चाहे चालू हो चाहे बंद हुआ, फ्री में मिले चाहे ज्यादा हाई रेट में मिले, उसे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसे आपको सुख दुख का कोई घन चक्कर नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आप अभी ज्ञान भक्ति कर्म पर समझ साहब प्रवचन कर रहे थे, तो अगर आपको यह जानकारी हो गई है कि सब छूटा है, अपना शरीर ही एक खोल है जो कुछ दिन के लिए मिला है और इसमें मैं आत्मा सोल हूं जो मरने वाला नहीं हूं और शरीर जिंदा रहने वाला नहीं है, इस वास्तविकता को जब समझ लेंगे, इतना न समझ में आया हो, अगर ये बात दिमाग में रहे कि एक दिन तो शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या साथ रहेगा और क्या साथ जाएगा और कौन साथ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तब एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा साहब ने कहा, तो फिर उसके लिए अनैतिक कर्म क्यों और फिर उसके लिए लोभ लालच क्यों और मुंह में बिलबिलाना क्यों? मुंह से कोई फायदा है नुकसान के सिवा? तो अभी भव पार है यानी सांसारिकता से अपने मन को ऊपर उठा लेना ही
भाव पार है। मंदिर पेशी चौदिस भीजे, बाहर रहे ते सूखा, सरी मारे ते सदा सुखारी, अन मारे ते दुखा। औघट चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले से लूटा, एके जेबरी सब लिपटाने के बंधे के छूटा। औघट कुघाट, साहब कहते हैं कि कुरस्ता से चलोगे तो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे, और रास्ता पकड़ के जाओगे तो बीचे में लूट जाओगे, तुम्हारा सब लूट लेगा। ये भी उल्टा है। अगर यहां से वैशाली जाना हो तो रोड से जाएंगे तो सुविधा होगी, और कोई खेते खेते जाए, गड्ढे गड्ढे जाए, कांटा कूसा से जाए, कितनी परेशानी होगी, जाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन यहां साहब कहते नहीं, हाईवे से जाओगे तो तुम लूट जाओगे। वो क्या है? औघट कुघाट और घाट रास्ता। हम लोग किस रास्ते से परिचित हैं? विषय भोग का रास्ता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका प्रयोग तो साधु को भी करना है, लेकिन स्थूल विषय भोग का रास्ता, जिसे हमारा मन उत्तेजित हो, काम वासना बने, अच्छे अश्लील गाना सुनना, अश्लील दृश्य देखना, जिससे मन में विषय वासना का कीड़ा और ज्यादा बढ़े, मन को उद्वेगित और चंचल करना ही सुख मान रखे हैं। इसी के तो रात दिन जपते हैं। पैसा जितना ज्यादा हो जाएगा तो दुनिया में विषय भोग की चीज हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, यही तो मन सोचता है, यही है बाट चले सो लूटा। इस रास्ते से जो चलेगा उसका आध्यात्मिक धन लूट जाएगा, सबका लूट रहा है। मन अशांत है, भयभीत है, उद्वेगित है, लूटना ही तो है। औघट चले सो नगरी पहुंचे, जो संयम का मार्ग यही है औघट, जो विलासिता संबंधी चीज है उसका त्याग। शराब मांस अंडा मछली मुर्गा दारू तारी गांजा सुल्फा हफीम, ये सब क्या है? ये सब क्या जीवन जीने के लिए जरूरी है इसका सेवन करना? इसी का सेवन का त्याग करना, संयमित जीवन जीना, भूख की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन करना, सादा सुपाच्य स्वल्प समय से, स्वाद के चक्कर में पड़ करके भोजन नहीं करना, दिखावे के लिए कपड़ा नहीं पहनना, ठंडी गर्मी से बचने के लिए शरीर को पर्दा में रखने के लिए कपड़ा पहनना, कितने लोग करते हैं? जो इसको जीवन निर्वाह के लिए करता है और संयमित है, दर्शन करना है संत महात्मा का दर्शन करें, ग्रंथ पढ़ना है अश्लील पत्रिका न पढ़ करके अच्छी पुस्तक पढ़ें, खान पान में शुद्धता रखें, यही संयमित जीवन है। सतगुरु कबीर ने कहा, सदा रहो सुख संयम अपने, सब सदा सुखी रहना चाहता है लेकिन मनुष्य सब समय दुखी है, क्यों? इसीलिए कि वह अपने पर संयम नहीं करता है, अपने को लंपट हो करके जीवन बिता रहा है। इसीलिए सब प्राणियों में सिरमौर प्राणी मनुष्य होकर के सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। किसी जानवर को, किसी कीड़े मकोड़े को टेंशन है क्या? उसको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कोई बीमारी है क्या? उसको टेंशन नहीं है, मनुष्य को टेंशन है। क्यों? क्योंकि इसको खाने का अकल नहीं है और बोलने का अकल नहीं है। जिसको ये अकल है महासुखी है,
चाहे घर में हो चाहे मठ में हो, चाहे साधु के भेष में हो या शर्ट पैंट में हो या साड़ी ब्लाउज में हो, किसी लिबास में हो। तो औगट चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले सो लूटा। जो त्याग मार्ग से चलेगा वो अध्यात्म की मंजिल स्वरूप स्थिति गहरी शांति का जो मंजिल है उसमें वो पहुंच जाएगा, और जो विषय भोग के रास्ता से चलेगा उसका अध्यात्म का धन लूट गया है, अनादिकाल से लूटा रहे हैं, अभी भी लूटा रहा है। मंदिर पेशी चौदह से भीजे बाहर रहे थे सूखा। मंदिर नाम घर, घर में रहेंगे तो वर्षा के पानी से पूरा शरीर तर बतर हो जाएगा, और घर से बाहर हो जाइएगा तो सूखा सूखा रहेंगे, ये भी उल्टा हो गया। वर्षा होता है तो लोग घर में जाते हैं, साहब कहते हैं कि नहीं घर में रहोगे तो वर्षा के पानी से बच नहीं पाओगे, घर से बाहर जैसे वर्षा शुरू हो घर से बाहर निकल जाओ तो तुम सूखा सूखा, तब तुम नहीं भीजोगे। वो क्या है? मोह का घर। मंदिर तो है नेह की, मत कोई पैठो धाए, जो कोई पैठे धाए के बिन सिर सेती जाए। मोह के मंदिर में हम सब निवास करते हैं, इसीलिए माया के मार से रात दिन आहत है। रावण, अभी आप सुन रहे थे, रावण इतना बड़ा ज्ञानी, वेद व्रत विद्या स्नाता कहा गया है, चार वेद का विद्वान, और वीर में भी अपने जमाने में रावण के टक्कर का पूरे एशिया में कोई नहीं था, उतना वीर। लेकिन क्या किया, और एक पर एक सुंदरियां स्त्रियां थी, सुंदरी सब, सीता का केवल महिमा सुना शूर्पणखा से और ये पागल हो गया, जाके उठा लाया। वो घृणित काम किया, क्या हुआ अंत में, सब समझाया, किसी का बात नहीं माना, कहा कि रावण टूट सकता है झुक नहीं सकता। परिणाम ऐसा हुआ कि हिंदू समाज अपने बेटा को कोई रावण नाम रखना चाहेगा? कोई रखा है क्या? जबकि रावण बर्मा का प्रणाती, पौलिस्त मुनि का पोता, विश्वरवा का बेटा, इतना ऊंचे खानदान का था। राम तो क्षत्रिय घराने के थे, राजनीति में भी रावण जितना जानता था राम नहीं जानते थे, तभी तो लक्ष्मण को अंत में भेजे कि जाके कुछ नीति विद्या सीख लो। राम जानते थे रावण की वास्तविकता को, फिर भी उसका नाम अपने बच्चों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि रावण ऐसा जलील काम कर गया, एक ही काम जलील कर गया जिसमें सारी मिट्टी पलीद हो गई। तो मोह के आवरण में भूखे रहने के कारण रावण ऐसे पराक्रमी का जब वो दशा बिगड़ के दुर्दशा हो गया, हम आपकी इस खेत की मूली है। इसीलिए साहब कहते हैं कि मोह रूपी घर से जो बाहर निकल जाएगा, यानी अनासक्त हो जाएगा, निर्मोह होकर के व्यवहार करेगा, सदा सुखी रहेगा। बिन नैनन के एक जेवरी सब लिपटाने के बंदे के छूटा। जेवरी कहते हैं रस्सी, जंजीर, हथकरी, बेरी। एक ऐसी बेरी है जिसमें सब फंसा हुआ है। कौन के बंदे के छूटा? गिरस्त को कहते हैं कि आप बंधे हैं, और जो विरक्त महात्मा कहलाने वाले हैं, सबकी बात मैं नहीं कहता हूं, गिरस्तों में भी एक पर एक ऐसे विवेकी हैं कि क्या पूछना, शर्ट पैंट में भी बहुत साधु विचार के हैं, और महात्मा में भी ऐसे ऐसे भेष नामधारी हैं जो अनैतिक ऐसा दुष्कर्म किए, नाम कहने की जरूरत नहीं है, जो सरते हैं, तो भेष क्या काम करेगा। एक जेबरी सब लिपटाने, वो परोक्ष ईश्वर का दर्शन करा देंगे,
प्रत्यक्ष भोग की रिद्धि सिद्धि दे देंगे, ऐसे भी महात्मा है। तो कहे कबीर है, दोनों बेरी एक लोहा एक सोना के लिए। सांसारिकता के भोग में डूबा हुआ है ये तो दिखाई देता है, परमात्मा के दर्शन कराने की बात लोक में, वैकुंठ में, साकेत लोक में, गो लोक में, सत लोक में, जन्नत में, स्वर्ग में पहुंचाने की भी बात महात्मा करते हैं। पहुंचाने वाले बहुत ठेकेदार हैं। ये दोनों प्रकार के बेरी में दुनिया के अधिकतम लोग फंसे हैं, जिसको हम कह सकते हैं मोटी माया और झीनी माया। बिरला कोई होगा जो दोनों से बचा होगा। के बंदे के छूटा, साहब कहते कौन बंदा है, कौन किसको कहो के छूटा हुआ है। कोई सीधा नाक पकड़ता है, कोई घुमा करके नाक पकड़ता है। बिरला कोई है, खानी बानी खोजी देखा वो अस्थिर कोई न रहा है। खानी जाल और बानी जाल के चक्र में सारे लोग फंसे हैं, कोई बिरला उसमें से निकला है। तो औगट चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले सो लूटा, एके जेबरी सब लिपटाने के बंदे के छूटा। मंदिर पेशी चौदह से भीजे, बाहर रहे थे सूखा, सरी मारे थे सदा सुखारी, अन मारे थे दुखा। साहब कहते हैं कि एक ऐसा सांप है, उसको अगर तुम पूरा का पूरा उसको कुचल दो, एकदम हत्या कर दो, उसको पर दया ना करो, पूरा का पूरा उसको साफ कर दो, एकदम प्राणांत कर दो, तब तुम सुखी हो जाओगे। अगर उसको अधमारा छोड़ दिया तो सदा दुखी रहोगे। वो कौन सा सांप है? ये अहंकार रूपी सांप, काला सर्प शरीर में खाईनी सब जग झारी, वही काला सांप कौन है? अहंकार। ये अहंकार रूपी सांप हम मनुष्यों को बहुत प्यारा लगता है। ये अहंकार रूपी सांप को जो जितना कुचल देगा उतना सुखी रहेगा, और जो पूरा कुचल दिया तो फिर क्या पूछना, उसके जीवन में दुख रहेगा ही नहीं। तो वही साहब कहते हैं कि सरी मारे थे सदा सुखारी, अन मारे थे दुखा। अगर इसको तुम नहीं मारते हो, अहंकार को तुम विलय नहीं करते हो, तो तुम दुखी रहोगे। चाहे जितना माला फेरो, हज करने जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, काशी जाओ, काबा जाओ, कहीं जाओ, दुख से नहीं बचोगे। इस अहंकार को मारने की जरूरत है। बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन रहते अंधा, कहीं कबीर कछु समझ पड़ी है, यह जग देखा धंधा। सज्जनों, अब यहां साहब कहते हैं, अंतिम बात है, ध्यान देंगे। बिन नैनन के सब जग देखे, अगर तुमको दुनिया का साफ साफ देखना है, वास्तविकता को, दुनिया की वास्तविकता को सही सही देखना है, तो अपनी आंखें फोड़ लो। दुनिया के वास्तविकता क्या है इसको अगर तुम जानना चाहते हो, देखना मतलब जानना, अगर इसको तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंखें फोड़ लो। लोचन रहते अंधा, इस दुनिया में बिना आंख वालों की संख्या, उसकी गणना किया जाएगा बहुत कम होगा, करोड़ों में हो सकता है। जहां पूरी दुनिया में करीब 7-8 अरब के लगभग आबादी है, तो अंधों की संख्या करोड़ों में होगा, बाकी तो सब आंख वाला है। लेकिन साहब कहते हैं जितना है सब अंधा है, और जो आंख फोड़ लिया उसको पूरी दुनिया की वास्तविकता दिखती है, दिखाई देती है। ये पहेली क्या है? हम देख रहे हैं कि एक शमशान में जल रहा है, एक मरणासन है, एक को लोग अर्थी पर लिए जा रहा है, जवानी में मर जाता है, बचपन में मर जाता है, 2 साल की अवस्था में मर जाता है, मरा हुआ बच्चा पैदा लेता है,
ऐसे क्षणभंगुर और अनिश्चितकालीन जीने वाला हमारी जिंदगी है, फिर भी हम कहां सच्चाई को देख पाते हैं। ये जो मिलावटबाजी, घुसखोरी, कामचोरी, हरामखोरी, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ये सब जो दुष्कर्म होता है, कहां देखते हैं। वर्षा होती है, अल्लाह की मर्जी से वर्षा होती है, भगवान की कृपा से वर्षा होती है। गोस्वामी जी ने भी कहा, सुन जो उमा जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई, यानी शंकर भगवान से कहलवाते कि हे पार्वती, सबको राम गोसाई नचाते हैं। ईश्वर का गुणानुवाद करने वाले दुनिया में अगर 1000 आदमी होगा तो 999 आदमी से भी ज्यादा भगवान के गुणानुवाद करने वाला होगा कि एक ईश्वर है जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। आपने चाहे वो अरबी भाषा वाला हो, संस्कृत भाषा वाला हो, हिंदी, चाहे जिस भाषा का हो, परोक्ष ईश्वर की उपासना करने वालों की संख्या अधिक है। एक प्रोफेसर है, वो अगर कॉलेज में जाता है, टीचर है, स्कूल में जाता है, बच्चे को पढ़ाता है वर्षा कैसे होती है, वो कहता है कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है और वही समय से जब मानसून हवा चलती है तो उसके संपर्क में बादल बनता है, वही संघनित होकर के पानी के बूंद में जमीन पर आता है। लेकिन उसी टीचर का अगर घर आता है और वर्षा नहीं होती है, धान सूखने लगता है, तो कहता है कि पता नहीं भगवान की कैसी इस बार मर्जी है कि वर्षा इस बार नहीं हो रहा है। ज्ञान में दुमुहा है कि नहीं है? भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। इस बात को दुहाई देने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर से लेकर के कलेक्टर, कमिश्नर, मास्टर, डॉक्टर सब है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ब्रेन का ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है, ऑपरेशन कर दिया, हार्ट का ऑपरेशन किया, प्रत्यारोपण किया, किडनी बदला और कहता है कि मैं तो जो कुछ करना था कर दिया, बाकी ऊपर वाला गॉड की मर्जी किया वो, लेकिन मुहर मारता है किस पर, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, धुंधुलके में। क्यों? वो अपने क्षेत्र में महान है लेकिन सत्य तथ्य का ज्ञान नहीं है, सत्ता का ज्ञान न होने के कारण वह ऊपर वाला की दुहाई देता है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा क्योंकि उसका अस्तित्व है ही नहीं। बिन नैनन के सब जग देखा लोचन रहते अंधा। हम देख रहे हैं कि सब छोड़ चुके, दुनिया से जा रहा है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर कौन नहीं देखता है, फिर भी लूट खसोट में पड़े हैं तो कहां देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, बुद्ध और महावीर दुनिया की दुर्दशा को देख करके राजपाट का त्याग किए, हम जहां के तहां हैं, तो अंधे हैं कि नहीं है? कहा कबीर का जो समझ पड़ी है, यह जग देखा धंधा। कबीर साहब कहते हैं कि अभी संसार का जो वास्तविकता है वो मुझे समझ में आया है कि क्या है। यह संसार एक ऐसा गंधर्व नगर है कि यहां पर अगर हम सावधानी पूर्वक संत गुरु जो विवेकी पारखी है, कबीरपंथी की बात मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब खुद कबीरपंथी नहीं थे, परख करके बात मानने वालों को जो पल्ला नहीं पकड़ेगा वो बह रहा है और बह जाएगा। आप किस संप्रदाय में हैं, आप माला पहने हैं कि नहीं पहने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हेलो, आप पढ़े लिखे हैं कि निरक्षर हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस दो दो कितना होता है इसका ज्ञान होना चाहिए, दो दो चार, इसका मैंने एक नंबर, ऐसा सेंसलेस नहीं हो, बैधा नहीं हो, लेरगा नहीं हो, छत्तीसगढ़ी भाषा में बैधा नहीं हो, तो वो इस काम को कर सकता है। जड़ और चेतन का ज्ञान होना चाहिए, चेतन आप हैं और जड़ ये जो दिखाई देता है
आंख नाक कान जीभ और त्वचा से और मन से जहां तक सोचते हैं वो सब कल्पना, वो भी काल है। तो इसी में सारी दुनिया फंसी हुई है। तो साहब कहते हैं कि इस सांसारिकता को छोड़ करके जो संत गुरु के आधार में जो जीवन व्यतीत करेगा वो बच जाएगा। आपने सुना होगा कि चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसी के उपलक्ष में यह बात कही गई है। बीजक के तो वाणी नहीं है जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। चक्की चलती देख के दिया कमाल ठठाए, जो गही पकड़े कील को सो सकलो बच जाए। जब चक्की में जब पीसा जाता है अन्न तो दाना पिसाता है, लेकिन जो कील के पास रह जाता है तो माताएं लोग क्या करती है, ऊपर वाला हत्था को उठा करके उसको उंगली से छितरा देती, फिर जोर से चला देती है, पिसा जाता है, लेकिन कील के पास जो रहता है फिर बच जाता है। वैसे ही जो संत गुरु, जो पारखी है, विवेकी है, तत्वदर्शी है, उनके आधार में अगर हम आप रहेंगे तो बच सकते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष भोग में तो रगरा ही रहे हैं और परोक्ष ईश्वर का भी जो रगरा है उसमें भी रगरा करके यहां से चले जाएंगे। कोई हमारा दुख दूर अभी तक नहीं किया, आगे कैसे कर देगा। इसीलिए हमें संत गुरु के शरण में जाने की जरूरत है। इस सत्संग में पूरा बोध नहीं होगा, इसमें ठोकर मिलेगा, इसमें एक इसमें आपको उद्वेग मन में जगाई जगह ठोकर मिलेगा, एक ज्ञान अर्जित करने की भावना उद्घटित होगी, फिर इस लाइन के संत से भक्त से मिले और सदग्रंथ का अध्ययन करें, तब बात समझ में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।